गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे लिक्विड प्रेशर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेशर क्या है, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इस वीडियो हम सीखेंगे लिक्विड प्रेशर क्या है। आप जैसा कि जानते हैं, ये एक मान लेते हैं कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है, इसका ये बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता। जब हम इसमें लिक्विड डालते हैं, भरते हैं, तो इस लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो लिक्विड अपने वेट के कारण इस बेस पर क्या करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है। चूंकि इस बेस के पास कुछ एरिया भी है, और हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। इस तरह से लिक्विड अपने वेट के कारण जिस कंटेनर में वो रखा गया है, उस कंटेनर के बेस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। हम कह सकते हैं, व्हाट इज लिक्विड प्रेशर? लिक्विड प्रेशर इज अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड इनसाइड द ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ कंटेनर। ओके, इनसाइड इट एच एंड एवरी पॉइंट इन अ कंटेनर। सो दिस आर द इट इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। व्हाई लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर? लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लिक्विड प्रेशर। लिक्विड नॉट ओनली एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन इट बेस, बट इट ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। ये बेस के साथ साथ इस वॉल्स ऑफ जिस कंटेनर में ये रखा गया है, उस कंटेनर के वॉल पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये सबसे खास स्पेशल प्रॉपर्टीज है लिक्विड की। कैसे पता चला? कैसे पता करेंगे कि भाई ये बेस पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है और इस वॉल पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है? चलिए एक एक्टिविटी से आप इसको समझ सकते हैं। हम एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं, इसके इस मुंह को एक रबर से, छोटा सा रबर से बांध देते हैं। जब ये कंटेनर पूरा खाली होता है, तो ये जो फैलने वाला रबर है, ये इससे बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें लिक्विड डालना शुरू करते हैं, भरना शुरू करते हैं, हम देखते हैं इसका साइज धीरे 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 क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि लिक्विड बेस पर, कंटेनर के बेस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट से हम पता कर सकते हैं कि ये वॉल पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसके लिए एक क्लोज्ड बेस वाला कंटेनर लेते हैं, जिसका बेस क्या हो? कंप्लीट क्लोज्ड हो। इस तरह से एक कंटेनर लीजिए, जिसका एकदम बेस कंटेनर हो। इसको फिर वैसे ही रबर से इसके मुंह, इस माउथ को बंद कर दीजिए। देखिएगा कि शुरू में जब इसमें कोई लिक्विड नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल चिपका हुआ रहता है इस कंटेनर से रबर। लेकिन जैसे ही हम इसमें लिक्विड भरना शुरू करते हैं, ये धीरे 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 इसका साइज बढ़ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि ये लिक्विड वॉल पर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी आप देख सकते हैं कि सबसे दूसरा प्रॉपर्टी ये है लिक्विड का, लिक्विड प्रेशर का, कि जैसे जैसे लिक्विड सरफेस से गहराई बढ़ते जाती है, लिक्विड के सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। या किसी पॉइंट के, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आप प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो लिक्विड का प्रेशर इस बात पर भी डिपेंड करता है, इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड का कॉलम का हाइट क्या है। जितना ज्यादा हाइट होगा लिक्विड कॉलम का, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जितना कम हाइट होगा लिक्विड का, प्रेशर उतना कम होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिक्विड के फ्री सरफेस से जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। एक फिर से ट्यूब लीजिए, जिसमें जिसके चार पांच पॉइंट पे कटिंग हो। इस तरह से एक कटिंग यहाँ भी लो, एक कटिंग यहाँ भी लो, ठीक है। इसको सबसे पहले रबर से या कॉर्क से इसको बंद करके रखिए, इसको भी बंद करके रखिए, इसको भी बंद करके, इसको भी बंद करके, पूरे को लिक्विड फूल कर दीजिए, इस कंटेनर को लिक्विड से फूल कर दीजिए। अब एक ही बार में इस तीनों को हटा दीजिए, आप देखिएगा कि लिक्विड यहां से जो लिक्विड निकलता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। यहां से जो लिक्विड निकलेगा वो इससे पहले गिरेगा, और यहां से जो लिक्विड निकलेगा वो सबसे नजदीक में गिरता है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर उससे ज्यादा है और यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर सबसे ज्यादा है। मतलब लिक्विड के फ्री सरफेस से जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है प्रेशर भी क्या होता है बढ़ते चला जाता है। तो कह सकते हैं कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। दूसरा, यदि हाइट सेम हो, यदि लिक्विड के सरफेस से गहराई सेम हो दो पॉइंट की, तो दोनों पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर क्या होगा सेम होगा। इसको आप इस तरह से डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसी गहराई पर, इसी गहराई पर आप प्रेशर नापना चाहते हैं, तो एक कट इधर से ले लीजिए और एक कट यहां से इसके इसमें कट ले लीजिए, काट दीजिए इसको यहां पर। शुरू में दोनों को बंद रखिए, लिक्विड भरने के बाद इस दोनों को देखिएगा, दोनों साइड से पानी गिरना शुरू होता है, इधर से भी गिरेगा और इधर से भी गिरेगा। लेकिन जब दोनों के आप जब मेजर कीजिएगा स्केल से, देखिएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मीन्स जिस पॉइंट पर लिक्विड गिरता है उसका डिस्टेंस कंटेनर से, और इस साइड में जिस पॉइंट पर लिक्विड गिरता है उसका डिस्टेंस कंटेनर से, दोनों लगभग सेम है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इक्वल डेप्थ पर लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। अगला है कि यदि किसी क्लोज कंटेनर में, मान लेते हैं ये एक बंद बर्तन है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, जैसे सिरिंज वगैरह कहते हैं, सिरिंज में लगा हुआ रहता है, सिरिंज में इंजेक्शन देते समय सिरिंज पिस्टन, आप सेम हाइट का यहां भी कट कीजिए, यहां भी कट कीजिए, यहां भी कट कीजिए, इसमें पूरा कंप्लीट लिक्विड भर दीजिए, ये कंटेनर पूरा क्लोज है, यहां भी एक पिस्टन लगा दीजिए, यहां भी एक पिस्टन लगा दीजिए, यहां भी एक पिस्टन लगा दीजिए, हर जगह एक एक पिस्टन लगा दीजिए, हर जगह स्प्रिंग बैलेंस का आप यूज कर सकते हैं कंप्रेसर का। जब आप यहां से इसको प्रेस कीजिएगा, देखिएगा कि जितना फोर्स आपने लगा, जो प्रेशर एग्जर्ट किया यहां पर, वो प्रेशर इक्वली हर एक डायरेक्शन में इस कंटेनर में क्या हो जाता है ट्रांसमिट, मीन्स उतना ही प्रेशर यहां भी देखने को मिलेगा, उतना ही प्रेशर यहां एक ही समय में यहां भी देखने को मिलेगा और उतना ही प्रेशर यहां भी देखने को मिलेगा, जो इंडिकेट करता है, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का, कि जब जब हम लिक्विड को किसी क्लोज्ड कंटेनर में लेते हैं और उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो प्रेशर इक्वली ऑल डायरेक्शन में क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। सो हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखे लिक्विड का, क्या क्या है प्रॉपर्टीज लिक्विड प्रेशर का। सबसे पहला है कि लिक्विड एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑन बेस एज वेल एज वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। दूसरा करेक्टरिस्टिक हमने देखा कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है कि लिक्विड प्रेशर गेट ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन साइड द क्लोज्ड कंटेनर। यदि क्लोज्ड कंटेनर में, बंद कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और उसमें हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ये इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। अगला है कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आप जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हाई होगा तो उसका मास भी क्या होगा बढ़ जाएगा। जैसे मास बढ़ जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा बढ़ेगा, उसका वेट भी क्या होगा बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे वेट बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। इसीलिए डेंसिटी के साथ लिक्विड के डेंसिटी के साथ लिक्विड प्रेशर भी क्या होता है बढ़ जाता है। तो ये थे लिक्विड प्रेशर के बारे में। अगला है एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। थैंक यू।